और फिर मैम बस क्या, इतना साल हमने एंटरटेन किया, एक साल हमारा खराब किया तो आपने ही साथ छोड़ ओहो, हमने इतने सालों तक एंटरटेन किया और एक साल खराब गया तो क्या अब आप भी साथ छोड़ रहे हैं? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेलेब 44 और मैं हूं आपके साथ अनामिका तिवारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक रोहित शेट्टी की फिल्म सर्कस रिलीज हो गई है। अपनी फिल्मों का जोरदार प्रमोशन करने वाले रोहित इस बार भी अपनी फिल्म का प्रमोशन करने से पीछे नहीं हटे। हाल ही में रोहित सर्कस के हीरो रणवीर सिंह और बाकी कास्ट के साथ फिल्म प्रमोट करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा फीके पड़ रहे बॉलीवुड और शानदार हिट्स दे रहे साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज पर बात करते हुए रोहित शेट्टी के अंदर की भावनाएं कुछ ज्यादा ही जोरदार तरीके से बाहर आ गई। उन्होंने बॉलीवुड और साउथ के मामले पर कुछ ऐसा जवाब दिया कि इवेंट पर मौजूद जनता की एनर्जी भी बढ़ गई। वहीं रोहित ने कहा कि ये सब एक फेज है और इस समय सभी इंडस्ट्रीज मुश्किल के दौर से गुजर रही है। हमें सिर्फ अपनी इंडस्ट्री का ज्यादा पता चल रहा है क्योंकि वो हमारे आंखों के सामने है। इधर मीडिया से बातचीत के दौरान रोहित ने कहा, पिछले 2 साल से हम सभी एक महामारी से गुजरे हैं। हमारी जितनी भी बड़ी फिल्में थी वो शुरू भी नहीं हुई थी कि कोविड के वजह से लॉकडाउन लगना शुरू हो गया था। इसी वजह से हमारी फिल्म बन नहीं पाई। हालांकि साउथ से जो फिल्में आई है वो बन चुकी थी। उन्होंने कहा कि उनका सूर्यवंशी पहले से बनकर तैयार थी और उनके 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रहे थिएटर्स में भी जोरदार बिजनेस किया है। इसके अलावा रोहित ने कहा कि जो मैजिक जनता को साउथ की फिल्मों में आजकल ज्यादा दिख रहा है वो फिर से बॉलीवुड फिल्मों में लौटेगा। एक्टर ने बॉलीवुड के फीके बिजनेस पर सवाल करने पर कहा, हमने इतने साल एंटरटेन किया और एक साल खराब गया तो क्या आप भी साथ छोड़ रहे हैं? बचपन से अमित जी को देखा होगा आपने, अक्षय कुमार को देखा होगा, अजय देवगन को देखा होगा, देखी होगी आपने अमर अकबर एंथनी, डॉन, शोले, खिलाड़ी, हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया, देखी होगी आपने सारी वो फिल्में, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, सिंघम, सूर्यवंशी, गोलमाल, जबकि शोले सबनम हमने बनाई। एक साल क्या खराब बीता आप लोग पलटी मार रहे हो। इसके बाद रोहित ने कहा कि बॉलीवुड वाले भी वो लोग हैं जो टाइटैनिक को डूबने नहीं देंगे, वो उड़ाकर ही इसे आगे ले जाएंगे। मेरी खुद की फिल्म सर्कस भी थिएटर में रिलीज हो चुकी है और इन सभी बातों को लेकर रोहित सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल भी हो रहे हैं। ऐसे और भी बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, बायोग्राफी और गॉसिप के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सेलेब 44। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पर आई कोई भी इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके।